नमस्कार दोस्तों, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में आज से जो पहला T20 शुरू होने वाला है उसमें जाने किस चैनल पर कितने बजे आएगा मैच और कहाँ देखेंगे लाइव। और दोस्तों इंडियन फाइनल प्लेइंग 11 कौन सी है वो भी मैं आपको पूरी बताऊंगा। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इंडियन टीम को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज आज से हो रहा है, यानी कि रविवार को। पहला मैच धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय टीम शुक्रवार को यहां पहुंच गई थी। दोनों टीम इस मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है। आइए जानते तो कहां खेला जाएगा मैच। भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में पहला T20 मैच धर्मशाला के HPCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। और बता दें कि भारत का इस मैदान पर यह दूसरा मुकाबला है। इससे पहले 2015 में टीम इंडिया ने यहां अफ्रीका के ही खिलाफ T20 खेला था, जिसमें भारत को करारी हार मिली थी। और कितने बजे शुरू होगा, तो भारत समय अनुसार ये T20 मैच शाम 7 बजे लाइव टेलीकास्ट किन चैनल पर है, तो दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका के T20 मैच स्टार स्पोर्ट चैनल पर दिखाए जाएंगे, और स्टार स्पोर्ट 1 SD और HD, स्टार स्पोर्ट 2 SD और HD, स्टार स्पोर्ट 1 हिंदी SD एंड HD में लाइव टेलीकास्ट होंगे। और ऑनलाइन दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका के T20 सीरीज के लिए सारे हॉटस्टार ऐप पर ऑनलाइन भी देख सकते हैं। इसके लिए आपके स्मार्टफोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। तो दोस्तों ये है भारत बनाम साउथ अफ्रीका के सीरीज। वर्ल्ड कप के बाद साउथ अफ्रीकी क्रिकेट टीम की यह पहली सीरीज है। वही भारत ने हाल ही में वेस्टइंडीज को वनडे, T20 और टेस्ट में मात दी है। भारत मेहमानों के खिलाफ पहला T20 रविवार को यानी आज धर्मशाला में खेलेगी। इसके बाद दूसरा मैच 18 सितंबर को मोहाली में होगा। तीसरा मैच बेंगलुरु में 22 सितंबर को खेला जाए। दोस्तों प्लेइंग 11 की बात करें तो ओपनिंग में रोहित शर्मा और शिखर धवन आएंगे, और मिडल ऑर्डर में विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत आएंगे। ऑलराउंडर्स की बात करें तो हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कृणाल पांड्या। और फास्ट बॉलरों की बात करें तो नवदीप सैनी, खलील अहमद और दीपक चाहर, ये अंतिम प्लेइंग 11 होगी।